तो जैसा कि मैंने पिछले में आपको एरे के कुछ एग्जांपल दिए थे, कुछ और देता हूं। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स हैं, रैंड बिटवीन 10 से 90 के बीच, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे मुझे टॉप 5 निकालने हैं, इनमें से टॉप 5 जिसके लिए मैंने क्या किया था पिछली बार, इस तरह से नंबरिंग कर दी थी और फिर इसमें लगाया था लार्ज का फॉर्मूला, जिसमें मैंने क्या किया था, एरे चूज किया था और ये के जो पोजीशन है उसकी रैंक है कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इस तरह से निकाला था, ठीक है जी। माउस तो क्या हो गया, तो इसे जैसे मैंने टॉप 5 निकाला था, अब मैं एक फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालूंगा, ये अगर ये मुझे निकालना हो क्या करूंगा। हेलो, साउंड आपको नहीं आ रहा विनय जी? मेरा साउंड आ रहा है क्या? हाँ जी, हम ठीक है। मुझे सतवीर जी आपको? अच्छा हाँ बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, लार्ज का फॉर्मूला, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे लार्ज का फॉर्मूला लगाया था, अब मुझे एक ही साथ फॉर्मूला लगाना है एक ही झटके में। अब इसमें एक और चीज है, मुझे क्या करना है, सम ऑफ द टॉप 5 वैल्यूज, ठीक है जी। इसमें से टॉप 5 वैल्यू का सम करना है, तो कैसे करूंगा, सम लार्ज एरे और जो के की पोजीशन है ना जिसमें मैं रैंक दे रहा था, उसमें या तो इसके करके 1 2 3 4 5 दे दीजिए, अदरवाइज रो करके दे सकते हैं, 1 कॉलम 5, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। देन एक और चीज दिखाता हूँ, एक जैसे क्या होता है कि कई बार मैचिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं हम, कि इस लिस्ट का डाटा इसमें है कि नहीं, ठीक है जी। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं ज्यादातर, है जी। वी लुकअप करते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये किसमें ढूंढनी है, इसके अंदर ढूंढनी है और कॉलम इंडेक्स 1 और 0, अगर इसके आगे वैल्यू आ गई तो उस लिस्ट में है, अगर नहीं आई तो नहीं है, ठीक है जी। इसका शॉर्टेस्ट मेथड है एरे के थ्रू, और का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ इस फॉर्मूले को, यहाँ और का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, ये इक्वल टू ऐसा करता हूँ, यहाँ पूरा इसको चूज कर लेता हूँ, F4 इक्वल टू ये सिंगल, क्या करेगा बारी बारी रेंज में चेक कराएगा, ठीक है जी।
कि ये वाली वैल्यू इस रेंज में है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देगा। और की क्या आदत है, अगर एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू है, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ड्रैग कर दीजिए इसको, ठीक है जी। शॉर्टेस्ट मैचिंग मेथड है, इससे शॉर्ट मैचिंग मेथड कुछ नहीं हो सकता। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी सर, सर आपका नेट कमजोर जा रहा है मेरे ख्याल से, आपकी आवाज भी टूटी हुई आ रही है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ज़्यादा आज की क्लास में कुछ खास है नहीं उसमें, फिर आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मैं समझा दूंगा आपको दोबारा, ठीक है जी। अभी आप ओके सर, जैसे मैनेज कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है जी। देन तो आपने ये देखा कि और के थ्रू मैंने इस फंक्शन को यूज़ किया, तो इसी तरह से एरे के दुनिया भर के कॉन्सेप्ट हैं। एक जगह हम क्या करते हैं, मैचिंग के लिए डेटा में मैच के लिए भी यूज करते हैं, जैसे एक मैचिंग मैंने आपको ये दिखाई। दूसरी मैचिंग क्या करता हूँ मैं, ये तो मैंने नंबर मैचिंग किया था, और दूसरी तरह से कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट टाइप कर देता हूँ, और एक लिस्ट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, और एक सेल्स, सेल्स फिगर लगा देता हूँ। हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, तो मैंने आपको समिफ करके दिखाया था यहाँ पे कि समिफ इफ के जरिए कैसे करते हैं। दूसरा चलिए यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं, टेक ऑन द नेट पे आपके काफी सारे एक्सेल फंक्शंस हैं, जो उनमें सबसे नीचे देखेंगे तो एरे फॉर्मूला है। अब एरे फॉर्मूला में कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ज्यादा तादाद में एरे फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, पर प्रैक्टिस के लिए इनको कर सकते हैं। कि जैसे ये क्राइटेरिया मैच है, समिंग वैल्यू, तो इसको देखते हैं क्या कहता है ये पहला वाला। ठीक है जी, अब इसमें ये फॉर्मूला लगाया है कि जो ए से लेकर फाइव तक की जो वैल्यू है, यहाँ पे रेंज है, ये मल्टीप्लाई होगी बी वन से बी फाइव तक की जो वैल्यू है इक्वल टू 150। ये क्या है कि बी वन में जो आपको ये दिख रहा है ना इक्वल टू 150, तो ये क्या निकालेगा, जैसे हमने और में निकाला था ना, तो ट्रू फॉल्स निकाल देगा। ट्रू का मतलब होता है वन, ठीक है जी। तो जहां 150 होगा वहां वन आएगा, बाकी केस में जीरो आएगा। तो ये क्या करेगा, अपने सामने सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा पहले, तो कि एक हुआ मल्टीप्लाई 150 से, नहीं एक से, ट्रू है ना, 150 है तो वन है, तो एक इससे मल्टीप्लाई हुआ, सेवन इससे मल्टीप्लाई हुआ, बाकी रेंज में क्या बचा, जीरो, ठीक है जी। देन अगली चीज इसने फाइंड करी, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, सी कॉलन फाइव में यू से। अब इसमें भी ट्रू फॉल्स निकाल देगा, 0101, तो इसमें कहाँ आया, जहां जहां यू था वहां वहां क्या आ गया, वन। तो जब यहाँ पे जीरो आ चुका है, तो अगर ये इधर वाले यू में एक आ भी जाता है, तो जीरो एक से मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो ही देगा, ठीक है जी। तो अंत में हमारे पास क्या बचता है, ये जो हाइलाइटेड सेल है, ठीक है जी, इनका टोटल दिखा दिया, जैसे सम इफ्स का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है जी। मैंने कल आपको इफ के फंक्शन के थ्रू दिखाया था, अब ये एक मल्टीप्लीकेशन के थ्रू है, ठीक है जी। सिंपल वही ट्रू फॉल्स के लॉजिक पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, संदीप की जो जो
हाँ अपनी में ही पहले मैच करना पड़ेगा, इसकी ग्रेटर देन 50 है उसको सम करना है। चलिए कैसे करते हैं, पहले तो इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये पूरी रेंज ले ली, देन ये किससे मल्टीप्लाई करेगी, इक्वल टू मैंने ये ले लिया। अब ये क्या करेगा, इस पूरी रेंज में ये नाम चेक करेगा, ठीक है जी, ट्रू फॉल्स करके आ जाएगा, 1010 आ जाएगा यहाँ, ठीक है जी, यहाँ मैंने क्लोज किया। देन इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये सामने वाली सेल से, पर इसमें क्या करना है कि जितनी भी रेंज होगी मुझे चाहिए ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, तो ये क्या करेगी, ट्रू फॉल्स जनरेट करेगी, ठीक है जी। सम का करता हूं बंद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अच्छा तीन वैल्यूज आ गई, तीन वैल्यूज आ गई, अब इनको क्या करना है, ग्रेटर देन 50 क्राइटेरिया तो लगा दिया मैंने, अब एक और मल्टीप्लिकेशन करनी है कि वैल्यूज का सम चाहिए। तो अभी क्या था, ये लॉजिकल के कारण 1010 खाली ट्रांसफॉर्म हुआ था, देन इसके अंदर भी 1010 हुआ, आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। देन मैंने क्या करना है कि अपनी ये रेंज से मल्टीप्लाई हो, ठीक है जी, तो ये फुल रेंज दे दी मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एंटर 127, ठीक है जी। पहले हमने किया था इफ के फॉर्मूला के थ्रू किया था, 71 आ रहा है, देखते हैं क्या इवेल्युएशन में क्या हुआ है, ये देखते हैं। इवेल्युएट फॉर्मूला किया तो पहले क्या किया, E5 को इसने चेक किया, यहाँ पे जहाँ पे भी संदीप होगा इक्वल टू में वो क्या बदल जाएगा, ट्रू फॉल्स में, ठीक है जी, और जब उसमें है उसमें भी ट्रू फॉल्स आ गए, तो जहां ट्रू ट्रू होगा वहां वन आ जाएगा, तो एक ही जगह वन आया क्योंकि ग्रेटर देन 50 की वैल्यू एक ही जगह थी और कहीं नहीं थी। देन अब ये अपनी वाली रेंज है जो इसकी B1 वाली, ये वाली ये निकल के आई, अब इसमें पहला जीरो से मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होते हुए जहां वन है 71 पे वो आपके सामने वही निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मेथड समझे आपकी क्या चीज लगाया मैंने, ये सब समझ में आया कुछ, ये समझ में आना जरूरी है। हाँ जी विनय जी, ठीक समझ आ गया ना ये कि मैं कर क्या, हाँ देखिए क्या करा ना, पहले इसमें ये जो रेंज है ना पहली वाली जिसमें नाम लिखे हुए हैं, इसने क्या किया, इसमें संदीप का इक्वल टू, तो ये क्या निकालेगा, ट्रू फॉल्स में वैल्यू निकालेगा कि क्या ये इसके इक्वल टू है कि नहीं, क्या ये इसको इक्वल टू है कि नहीं। देखिए आपको इसमें समझाता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ साइड में, यहाँ रख देता हूँ, अब 56 आ गया क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं हटाया, अब हटा देता हूँ। तो पहला मुझे क्या करना पड़ा, मेरे को हर एक सेल में पहले चेक करना पड़ा कि कौन सा संदीप है, ठीक है जी, ट्रू फॉल्स आ गया मेरे सामने, ठीक है जी। अब ट्रू का मतलब होता है वन, सीधी सीधी भाषा में, और दूसरा मैंने क्राइटेरिया क्या लगाया, क्या ये ग्रेटर देन 50 है, अब यहां पे भी ट्रू फॉल्स आ गया। अब ये मैंने क्या किया, इन दोनों को कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, तो ट्रू जब ट्रू से मल्टीप्लाई होगा, ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो, तो जहां पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी वहां पे आपको वन दे देगा, कहां हो रही है, यहां 56 पे, ठीक है जी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से, ठीक है जी, तो जहां जीरो से मल्टीप्लीकेशन होगी वहां जीरो आएगा और जहां वन होगा वहां 56, और लास्ट में इसका सम कर दिया, ठीक है जी, ये कैलकुलेशन हुई है।
अब क्लियर है? हाँ जी इसी तरह से एंड का साइन, मतलब जैसे अभी मैंने क्या दिखाया कि तीनों में आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कई बार क्या होता है दो में ट्रू हो, किसी दो में। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या कह रहा है, ए बी A5 से जो भी ये है पहला वाला, इसने मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को E5 में, जहां टू है, जहां वैल्यू इक्वल टू टू है उससे मल्टीप्लाई किया। ये E है, वैसे E कॉलम है फर्स्ट वाला, तो इस वाली वैल्यू को इसने इससे मल्टीप्लाई किया जहां दो है। ठीक है जी, इक्वल टू टू है, ट्रू फॉल्स में आया तो दो है, मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों बचे मतलब क्राइटेरिया में छट के। देन इसने क्या किया, AB5 में जहां ग्रेटर देन जीरो है, और जो सेल ग्रेटर देन जीरो है यानी कि यहाँ टू यहाँ पे भी था, ठीक है जी, तो यहाँ भी ट्रू आया। तो इसमें लास्ट में कंडीशन रख दी कि ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो ये -5 था, स्किप कर गया। ठीक है जी, तो ये खैर उसी जैसी कंडीशन है, एक अपने ऊपर ही कंडीशन चेक करने के लिए। देन दूसरा देखते हैं, अब ये थोड़ा सा टफ है, इसको मारी गोली। ये वैसे करने की कोशिश क्या कर रहा है कि जो आपका सी में डाटा है ये वाला, सी में जो डाटा है C2 से लेकर 8 तक, वो मल्टीप्लाई हुआ डेटा माइनस प्रोडक्ट पे। डेटा कौन सा है? अच्छा ये डेटा है, ये डेटा फाइल है, ये मास्टर क्लाइंट है, दो फाइलें हैं। तो इसने क्या किया, डेटा माइनस प्रोडक्ट ए, डेटा माइनस प्रोडक्ट, अच्छा इस शीट का नाम है डेटा माइनस प्रोडक्ट। तो इसकी सी रेंज में जो वैल्यूज थी इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया उसके अगले ए वाले कॉलम में, इससे मल्टीप्लाई किया जहां पे मास्टर क्लाइंट यानी इसमें A2 ये आईडी थी, जहां वीलुकअप वाला ही काम है ये, जहां पे ये आईडी थी वो मैच की इसने कुल मिला के। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया? इसको इसने मल्टीप्लाई किया जहां पे ये वाली आईडी थी, मतलब ये आईडी पहले इसमें सर्च हुई कि आगे इक्वल टू इसके, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आया तो जहां ट्रू था वहां की वैल्यू उठ के आ गई इधर, सम हो के आ गई, क्योंकि 2003, तो 2003 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, खाली एक ही जगह है। ठीक है, क्लाइंट अगर बी में देखें 2005 तो दो जगह वैल्यू है, तीन जगह है बी में, तो ये तीनों का टोटल होके 2131 आ गया। ठीक है जी, आईडी मैच हुई यहाँ से, यहाँ से इसने चेक किया इसमें आईडी है, 2005 जब सर्च हुआ तो यहाँ ट्रू ट्रू आ गया, ये वाला जो मल्टीप्लाई हुआ इस वैल्यू में, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन निकल के आया इतना, तो सम का फॉर्मूला लगा था उसने सम कर दिया। ठीक है जी, सेम। ठीक है जी, तो मैं यही कहूंगा कि आप ना इसको शीट को एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिए, एरे में और कुछ नहीं है, इतना ही है। ठीक है जी, इन सारी में जो आपको समझ आए उतना करने की कोशिश कीजिए, जो ना आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है सर, तो आज का सेशन एंड करते हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे इसमें, फिर बाकी कल से हम चार्ट पढ़ेंगे। चार और एक और कुछ है ये क्या रहता है हमारा।